हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज बच्चों लेकर के आए हैं एक्सरसाइज 16.2 और आज इस चैप्टर के द एंड करेंगे बच्चों, ठीक है, जिससे कि आपको कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं बचेगा इस चैप्टर के रिगार्डिंग, ठीक है, और डिटेल करेंगे हम लोग बच्चों, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका, राइट। तो चलिए स्टार्ट करो, क्लास 8 के मैथ चैप्टर 16 है आपका, प्लेइंग विद नंबर एक्सरसाइज 16.2 क्वेश्चन नंबर 1 टू 4, राइट। इस चैप्टर में कितने चार ही क्वेश्चंस हैं बच्चों, तो चलिए फटाफट इन क्वेश्चनों को भी आज कंप्लीट करते हैं। तो ये है बच्चों आपके सामने ये क्वेश्चंस, कह रहा है इफ 2 1 y 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 9 वेयर y इज अ डिजिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। तो ये जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं, ये जो आपको नंबर्स दिया हुआ है बच्चों 2 1 y 5, ठीक है ना। तो अब ये जो नंबर है ध्यान देना, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बार बार आपको कहता हूं कि आप जो पहले वीडियोस नहीं देखा है तो आप वो वीडियोस जरूर देखो, क्योंकि उसमें मैंने एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, ठीक है ना, टेस्ट डिविजिबिलिटीज, राइट। वहां पे हमने डिटेल किया था बच्चों 10 का, 5 का, 2 का, 3 का, 9 का, इन सब का हमने क्लियर किया था, क्रिस्टल क्लियर किया था, एग्जांपल के साथ समझाया। यहां पे भी कोई बात नहीं, आपने नहीं देखा है तो यहां भी मैं आपको समझा दूंगा, देखिए। तो कह रहा है 2 1 y 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, मतलब ये जो नंबर है ना ये मल्टीपल ऑफ 9 है, और y इज अ डिजिट, y भी कोई डिजिट है, y भी कोई डिजिट है, तो बताइए y की वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान दो, 9 का डिविजर के लिए हमने कंडीशन बताया था कि 9 का डिविजर क्या होता है, जितने 9 का डिविजर क्या होगा, या तो 9 होगा, 18 होगा, 27 होगा, यही इसका मल्टीपल निकल के आता है, यस या नॉट, यस। तो देखो 9 से डिविजर होने के लिए हमने कंडीशन क्या लिखाया था 9 से, कि क्या होता है सम, क्या होता है सम ऑफ इट्स इट्स डिजिट डिजिट इज मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 9, बस जो भी नंबर दे रखा है उन सभी को ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद अगर 9 का मल्टीपल आ जाता है तो वो नंबर क्या होगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा, यही तो कंडीशन बताया था, यस, लेट्स सी। तो देखते हैं क्या करना है, देखो 2 + 1 + y + 5, ठीक। अब देखो तो 5 × 8 ये क्या हो गया 8 + y हो गया। अब देखो 9 का मल्टीपल क्या क्या आता है, 9 होता है जी, 18 होता है, 27 होता है, सो ऑन चलता है। तो क्या करेंगे, यहां लिखेंगे नाउ 8 + y, 9 का मल्टीपल है तो पहले हम 9 ले देते, अब क्या करना है, ये 1 है उतर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1, तो 9 - 1 निकल के आ जाएगा, सॉरी 9 - 8, तो y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा भाई, तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गया 1 आ गया जी, ठीक है। अब देखो तो ये नंबर क्या बनेगा, बताइए मुझको ये नंबर क्या बनेगा, 2 1 1 5, राइट, 2 1 1 5 बन गया। अब सबको ऐड करके देख लो क्या होगा, 5 + 6 + 6 = 9, 9 आ गया ना, तो 9 का मल्टीपल है, तो y की वैल्यू पॉसिबल क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, राइट। और अगर दूसरा वैल्यू केस चाहो तो पुट करके और भी देख सकते हो, केस सेकंड अगर मान के चलो, है ना, 8 प्लस क्या ले लें y और इक्वल्स टू 18 ले लें, तो क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 18 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या कर देंगे आप 8, तो क्या हो जाएगा 10 भी हो सकता, तो हमें तो यहाँ 10 लेंगे तो कुछ बड़ा निकल के आ जाएगा, तो हमें इसको रहने दो, है ना, अब यहाँ पे बस ये लिख दो x y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा भाई, और वो डिजिट क्या होगा, ये डिजिट बन जाएगा आपका 2115, क्लियर। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ये रहा बच्चों सेकंड क्वेश्चन, इफ 3 1 z 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, सेम वही क्वेश्चन कह रहा है, मल्टीपल ऑफ 9 कह रहा है आपको, जहां पे कह रहा है कि जेड जो है एक डिजिट है, एक नंबर है, एक संख्या है, तो मुझको बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, जेड की वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं करना है बस सेम कर लो वही बातें, क्या 3 + 1 + z
प्लस 5, इसको सॉल्व कीजिए तो 5 3 8 1 9, ये क्या हो गया बच्चों 9 प्लस क्या हो जाएगा बच्चे, और 9 को मल्टीपल तो अभी हमने बताया था 9 होगा है ना, 9 दुनी 18, 9 3 27, 9 4 36, यानी तो आंसर का चला जाएगा। और डिविजन के लिए कंडीशन अभी बताया ही था राइट। चलो तो कुछ नहीं, 9 प्लस क्या कर लें बच्चे इक्वल्स टू पहला 9 ले लेते हैं, तो z इक्वल्स टू क्या हो गया 9 माइनस 9 10 करके आ जाएगा 0, तो z की वैल्यू क्या होगा 0 निकल के, z की जगह पे आप चाहो तो 0 भी पुट कर सकते हो, मतलब क्या 3105 है ना, एक नंबर तो आपका ये बन सकता है और भी बनेगा। चलिए दिखाते हैं हम आपको, चलो 9 प्लस z इक्वल्स टू सेकंड ले लो 18 ले लो तो क्या बन सकता है, z इक्वल्स टू क्या हो गया 18 माइनस 9 क्या हो गया 9, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगा 9 भी हो सकता है, z की जगह पे क्या आप 9 भी पुट कर सकते हो तो क्या निकल के आ जाएगा बताइए 3195, ये भी नंबर बन सकता है। बस समझ में आ रहा है ना, तो जैसे जैसे आप वैल्यू को पुट करते चले जाएंगे ना वैल्यू उस तरीके से आपका आता चला जाएगा है कि नहीं, जीरो भी आप z की वैल्यू आप 0 भी ले सकते हो 9 भी ले सकते हो और भी बना सकते हो एंड सो ऑन, क्योंकि वैल्यू तो बढ़ता चला जाएगा और आगे बढ़ाओगे तो 2 डिजिट में आ जाएगा है ना, तो 1 डिजिट की बात कर रहे थे 8 डिजिट के ना, और डिजिट मतलब एक डिजिट है उस तरीके से बना है क्लियर। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, इफ 24x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, वाओ अब यहां पे 3 का मल्टीपल आ गया ठीक है, कह रहा वेल x इज अ डिजिट, x क्या है कोई डिजिट है तो मुझको बताओ कि x की वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x है कि नहीं, हो ही नहीं चलो सॉल्व करके देख लेते हैं, यहां पे देखो 24x ठीक है, अब यहां सॉल्व करो तो 2 प्लस 4 प्लस x इक्वल टू क्या हो गया 6 प्लस x निकल के आ जाए ठीक है। अब देखो यहां पे अगर हम 3 की मल्टीपल की बात कर रहे थे क्या हो गया 3 6 9 ठीक है ना, 3 6 9 12 है ना 15 एंड सो ऑन चलता चला जाएगा, तो 3 का डिविजिबिलिटी के लिए कंडीशन होता है, तो वही चीज हमने बताया था 3 के डिविजिबिलिटी के लिए कंडीशन क्या होता है बच्चों, तो क्या हो गया यानी सम ऑफ, वही चीजें होता है सम ऑफ इट्स डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3, बस जो भी नंबर है ना उन सभी नंबर को ऐड कर दो और ऐड करने के बाद अगर 3 का मल्टीपल आता है तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा बस। अब देखो जी ठीक है ये हमने ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, अब यहां पर लिखिए नाउ 6 प्लस x इक्वल्स टू क्या ले लीजिए आप 6 ले लीजिए ठीक है, तो 6 को उसे लेकर के जाओ तो 6 माइनस 6 क्या निकल के आ जाएगा 0, x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 0 ठीक है, तो एक नंबर यहां पे क्या बन सकता है 240 बन सकता है, एक नंबर ये हो जाए, आप चाहो तो और भी वैल्यू निकाल सकते हो कैसे देख लो 6 प्लस x इक्वल्स टू 9 ले लो तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 9 माइनस 6 क्या हो जाएगा 3 निकल के आ जाएगा, एक नंबर क्या ले सकते हो 243, ये भी एक नंबर आपका बन जाएगा है ना, तो इस तरीके से कई नंबर बनेगा क्योंकि इसकी मल्टीपल का तो कोई इनफाइनाइट मल्टीपल्स हो सकता है तो इनफाइनाइट नंबर भी आप बना सकते हैं, बात समझ में आ रहा है ना। चलिए तो क्लियर हुआ अच्छे से, तो आप x की जगह पे क्या ले सकते हो 0 ले सकते हो 3 ले सकते हो एंड सो ऑन, और भी आप बनाना चाहो तो बना लेना निकल के आ जाएगा ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, इफ 3105 इज मल्टीपल ऑफ 3, वही सेम बात है, वही कह रहा है कि z की जगह पे क्या रखोगे है ना, z की वैल्यू निकाल दीजिए, z इज अ डिजिट फाइंड द वैल्यू ऑफ z या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z राइट, लेट्स सी तो क्या करना है आपको, सेम वही है कुछ नहीं करना ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना बस यही कर देना है प्लस 5 ठीक है, तो देखो 4 3 3 1 4 5 6 9 9 प्लस क्या हो जाएगा z, और ये 3 का मल्टीपल है तो 3 का मल्टीपल हमने अभी बताया ही था, क्या ले लो 6 6 लोगे तो बात बनेगी नहीं, मल्टीपल नेगेटिव आ जाएगा जी है ना, नेगेटिव हमको लेना नहीं है पॉजिटिव लेना है, तो देखो 3 का मल्टीपल क्या लिख सकते हो बताइए मुझे
है ना, 3 है ना, 6 होता है, 9 होता है, ठीक है, 12 होता है, 15 होता है, एंड सो ऑन चलता चला जाता है, ठीक है। तो देखो आप चाहो तो ये भी ले सकते हो, ये लेकिन नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव के कांसेप्ट अभी आपको क्लियर नहीं है, तो आप मे भी सोचो इससे बराबर है, ठीक है जी। तो हम क्या ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, तो z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 0। तो z की वैल्यू 1 क्या निकल के आ जाएगा, 0 निकल के होते हैं। दूसरा केसेस अगर देखें, ठीक है, क्या 9 प्लस अगर z क्या ले लो, तो आप 12 ले लो, तो z इक्वल्स टू क्या पॉसिबल हो जाएगा, 12 माइनस 9 क्या आ जाएगा, 9 3 12 3 आ जाएगा। तो z की जगह पे क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। मतलब ये हुआ, ये जो आपके पास नंबर है ना 313105, एक नंबर तो आपका ये बन सकता है, एक 313135 बन सकता है ना। तो इस तरीके से आपके नंबर बनते चले जाएंगे, तो 3 डिजिट के नंबर, और ये वो नंबर है जो 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, बिना डिवाइड किए हुए भी आप बता पाएंगे, क्योंकि इनका जो सम है ना वो क्या आता है बच्चों, वो क्या आएगा मल्टीपल ऑफ 3 आएगा। बात समझ में आ रहा है ना, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को क्लियर करना था, अच्छे से समझ में आना चाहिए था और आ भी रहा होगा बच्चों, क्लियर। चलिए आगे बढ़े, ओके बच्चों, इसी के साथ क्या होता है, ये चैप्टर होता है कंप्लीट बच्चों, ठीक है। तो इन एक्सरसाइज को एक बार फिर से आप अच्छे से रिवीजन करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।